हेलो गाइज, वेलकम टू आर एजुकेशन चैनल। सभी बच्चों का मैं आर एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको शॉर्टकट मेथड के द्वारा आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में कुछ बताऊंगा। बच्चों, कैसे फार्मूले को फाइंड करेंगे और कैसे अपने बिना जो याद किए हुए समझ कर करके आप कैसे अपने माइंड में रख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सभी आज आपको सम्मान बताऊंगा। बच्चों, तो आप मेरी वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के आखिर तक देखिएगा। बच्चों, हमें कुछ क्वाड्रेंट बना रहा हूँ बच्चों, जिसमें आपको हम बता रहे हैं। अब इसे हमको दिया गया है क्या कि जैसे मान लीजिए हमको निकालना हो 90 और यहाँ पे दो मान होता है, ये 90 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पे यदि हम 90 माइनस थीटा की वैल्यू लेते हैं तो इसमें सभी मान जो होते हैं साइन, आल मान जो होते हैं आल पॉजिटिव होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और इसी तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में और इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब इसमें हमको ये ध्यान देना है कि 90 माइनस थीटा होगा और यहाँ पे जब हम लेंगे तो ये हमारा वैल्यू होगा 90 प्लस थीटा। तो इसमें जो होगा दो मान होंगे, 90 प्लस थीटा होगा और 180 माइनस थीटा होगा। अब इसमें हमको क्या देखेंगे कि इसमें 90 प्लस थीटा में क्या होगा कि साइन के वैल्यू साइन और कोसेक के मान जो होंगे धनात्मक होते हैं। साइन और कोसेक के मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे। और इसमें दो मान लेंगे, 180 माइनस थीटा लेंगे क्योंकि ये 180 माइनस थीटा भी होगा, 90 प्लस थीटा होगा। अब इसमें अब दूसरे वाले में जब हम आएंगे तो ये 270 डिग्री होगा और 270 डिग्री और होगा और एक होगा 180 माइनस थीटा है तो 180 प्लस थीटा भी होगा। तो इसमें हमारे मान क्या होंगे कि इसमें जब हम लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन और काट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। टेन थीटा और काट थीटा ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी और सभी वैल्यू जो होगी हमारी निगेटिव होगी, आल निगेटिव। इसी तरह से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे तो यहाँ पे 270 प्लस थीटा होगा और 270 प्लस थीटा होगा और 360 माइनस थीटा होगा। तो इसमें दो मान होंगे, कॉस थीटा और सेक थीटा। ये दोनों मान जो होंगे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे और आल जो होगा निगेटिव होगा। अब बच्चों, अब हम थोड़ा सा कुछ फार्मूला आपको साइन से बताते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। क्या होगा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा। और इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा। इसमें सभी मान जो होगा फिर
sec 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, sec थीटा होगा। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको सिक्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बताया। एक बार और समझ लीजिए बच्चों, जैसे यहाँ पे हम दो मान ले सकते हैं और यदि हम इसको लेंगे तो 360 प्लस थीटा भी होगा यदि हम ये लें वैल्यू। तो देखिए 90 माइनस थीटा ये जो होगा ये हमारा सभी मान आल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है आल मान पास्ट क्या होगा, पास्टी होगा। और अब दूसरी सिक इसमें देखिए कि आल पास्टी होगा और 90। अब जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हमारा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। अब इसमें साइन थीटा की वैल्यू प्लस होगी और कोसेक थीटा की भी वैल्यू प्लस होगी। अब इसमें जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे दो मान फाइंड कर सकते हैं, एक तो हम 270 डिग्री होगा ये वैल्यू और एक होगा 180 प्लस थीटा होगा। तो इसमें जब हम इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू प्लस होती है, टैन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू प्लस होती है और आर नेगेटिव होता है। और इसमें भी जो होगा साइन थीटा कोसेक थीटा की पॉजिटिव होगी और आल जो होगा निगेटिव होगा। इसी तरह से 200 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, इसकी कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा और आल निगेटिव होगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको आज क्वाड्रेंट के बारे में बताया है। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों यदि कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करिए। और मैं आप जितने भी मेरे ऑडियंस मेरे चैनल को देख रहे हैं मैं सभी के मंगल में भी इसकी कामना करता हूँ। आप लोग जीवन में हमेशा प्रसन्न रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। बस आप मेरे आर एन एजुकेशन एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, उस पर मैं क्लास 9 से लेकर के 12 तक मैथ का कोर्स प्रोवाइड कर दिया हूं। तो आप मेरी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। मैं आप लोगों को इसी प्रकार का टिप्स हमेशा बताता रहूंगा, बस आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए। और आप कमेंट के माध्यम से जरूर बच्चों आप बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तभी मैं आपको और भी अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो गुड नाइट, थैंक यू, आई टू वीडियो।